तो आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट ए रियलिस्टिक रेन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। अपने प्रेजेंटेशन को वेदर इफेक्ट जोड़ना उन्हें अधिक एंगेजिंग एंड मेमोरेबल बना सकता है। इसलिए यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन को सबसे अलग बनाने के लिए तैयार है तो इस ट्यूटोरियल को जरूर देखें और सीखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड, सिलेक्ट ग्रेडियंट फील्ड से ग्रेडियंट कलर, देन क्लोज, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन शेप, सिलेक्ट क्लाउड, ड्रैग इट, गो टू फॉर्मेट, आउटलाइन से नो आउटलाइन, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड प्लेस इट। सिलेक्ट ऑल क्लाउड, राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ग्रेडियंट फील्ड से ग्रेडियंट कलर, देन क्लोज, गो टू फॉर्मेट, क्लिक ऑन शेप इफेक्ट, सॉफ्ट एजेस से 5 पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन से फर्स्ट वेरिएशन, गो टू एनिमेशन, एड एनिमेशन, सिलेक्ट डिसैचुरेट, गो टू एनिमेशन पेन, टाइमिंग स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, डिले 1 सेकेंड, रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, देन ओके। इसके बाद गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन शेप, सिलेक्ट फ्लो चार्ट, ड्रैग इट, गो टू फॉर्मेट, शेप फील्ड से व्हाइट कलर, आउटलाइन नो आउटलाइन एंड साइज 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर, गो टू एनिमेशन, सिलेक्ट फ्लाइन, गो टू इफेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट फ्रॉम टॉप, क्लिक ऑन एनिमेशन पेन, टाइमिंग स्टार्ट ऑन क्लिक, रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, गो टू इफेक्ट आफ्टर एनिमेशन, सिलेक्ट हाइड आफ्टर एनिमेशन, देन ओके, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन शेप, सिलेक्ट डोनट, ड्रैग इट, गो टू फॉर्मेट, शेप फील से नो फील, शेप आउटलाइन से सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट एंड शेप आउटलाइन कलर ब्लू चूज करते हैं, क्लिक ऑन शेप इफेक्ट, रिफ्लेक्शन से सेकेंड वेरिएशन, सॉफ्ट एजेस से 1 पॉइंट, बेवल से ड्यूट एंड साइज 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट शेप, क्लिक ऑन 3D फॉर्मेट, मटेरियल से क्लियर एंड लाइटिंग से ग्लो, देन क्लोज, गो टू एनिमेशन, एड एनिमेशन, मोर एंटरेंस इफेक्ट एंड सिलेक्ट बेसिक जूम, देन ओके, क्लिक ऑन एनिमेशन पेन, टाइमिंग स्टार्ट ऑन क्लिक, रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, देन ओके, दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड प्लेस इट, 10 या 15 डुप्लीकेट करेंगे एंड प्लेस इट। अब स्लाइड शो चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं एनिमेशन कितने अच्छे से शो हो रहा है। फाइनली इन सिंपल स्टेप के साथ हम अपने प्रेजेंटेशन में एक डायनामिक एंड एंगेजिंग रेन इफेक्ट जोड़ने में सक्षम हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्यूटोरियल मददगार और प्रेरक लगा हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।